नमस्कार मित्रों, करंट अफेयर की बात चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल ये चैनल आपको डेली रीट DSSB KVS और NVS आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराएगा। तो दोस्तों, आज 10 जनवरी का करंट अफेयर पे हम लोग नज़र डालते हुए देखते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है और भारत में जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं वो हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। तो जी हाँ, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत के हज कोटे में 5,000 लोगों की बढ़ोतरी, अब रिकॉर्ड 1,75,025 भारतीय हज पर जा सकेंगे। AR रहमान प्रसिद्ध संगीतकार को सिक्किम राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये सिक्किम राज्य के पर्यटन को एम्बेसडर को प्रमोट करेंगे। भारत ने राज्यों की लॉजिस्टिक रैंकिंग जारी करी। लॉजिस्टिक रैंकिंग से तात्पर्य है कि वहाँ पर माल और साधनों की आवाजाही सुगम हो। जैसे उस टॉप 5 जो राज्य हैं भारत के, वो है गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरला एंड महाराष्ट्र। जी हाँ, गुजरात हमारे PM मोदी का गृह राज्य है। इस पॉइंट से भी आप इसका पहला नंबर पर जो टॉप 5 में है उसको याद रख सकते हैं। दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रा योजना के तहत हर साल 70,000 लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएगी। तीर्थ यात्रा योजना, याद रखिए दोस्तों, दिल्ली सरकार की है। आदि शंकराचार्य गुरु के बारे में मध्य प्रदेश के स्कूल पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। 1984 दंगे, 186 मामलों की जांच के लिए दोबारा SIT गठित। केंद्र सरकार ने कर्ज में पड़ी एयर इंडिया में विदेशी एयरलाइंस को 49% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी। आंचल ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। अल्पाइन एंजडेर 3,200 कप में प्रथम भारतीय है। स्कीइंग में अंतर्राष्ट्रीय कोई भी पदक जीतने वाली, और इस कप का आयोजन तुर्की में हुआ है। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर उज्बेकिस्तान के नागरिक ने भारत के पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की प्रसिद्ध कविता गीत नया गाता हूँ का पाठ किया है। राजीव जिंदल जी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए। भोपाल जंक्शन बना सैनिटरी नैपकिन मशीन लगाने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन। भोपाल रेलवे महिला कल्याण संघ की ओर से लगाई गई मशीनें। दावोस के विश्व आर्थिक मंच की बैठक में 20 साल बाद कोई भारतीय PM हिस्सा लेंगे। जी हाँ, ये बैठक 23 जनवरी को होगी और इसकी थीम है साझा भविष्य का सृजन। जी हाँ, साझा भविष्य का सृजन। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सो दोस्तों, आज के करंट अफेयर महत्वपूर्ण बिंदु में इतना ही। धन्यवाद।